हेलो फ्रेंड्स, री नीटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज ये टू कलर का पैटर्न बनाएंगे हम। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न है और बहुत ही इजी है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें इसमें फंदे डालने हैं 5 के मल्टीप्लाई, और जितने भी आपको फंदे चाहिए बस वो फंदे 5 के मल्टीप्लाई होने चाहिए। और ये 24 रो का पैटर्न है जो ये मैंने बनाई है। 24 रो है, इन्हीं को ही हमें बार बार रिपीट करना है। 12 रो मैंने इसमें यहाँ तक बनाई है, यही 12 रो हमें दोबारा रिपीट करनी है। बस यहाँ पे हमने पैटर्न को चेंज किया है, जो हमारा यहाँ पर रेड वाली है जो मैंने लाइनें बनाई है इनके ऊपर ये वाला आ गया, और ये जो लाइनें सीधी है इनके ऊपर रेड वाली आ गई। तो बस ये इसी तरीके से 12 रो भी ऐसे ही बनेगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं बताती हूँ आपको ये हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले आप इसमें फंदे डाल लें 5 के मल्टीप्लाई करके और बॉर्डर बना लें। उसके बाद ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करें। मैं यहीं से ही बताती हूँ आपको ये कैसे बनानी है। ये फर्स्ट रो है हमारी राइट साइड। फर्स्ट रो बनाने के लिए हमें सेकंड कलर ऐड करना है। ये मैंने कर लिया, इसमें रेड कलर और येल्लो कलर दो कलर से बनाऊंगी मैं। फर्स्ट कलर हमारा येल्लो है और सेकेंड कलर रेड है। तो फर्स्ट पहले 5 फंदे हम बनाएंगे सीधे रेड कलर से, जो सेकंड कलर है उससे। 1 2 3 4 5। अब 5 फंदे हमें बनाने हैं, एक फंदा स्लिप करना और एक बनाना। ये एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फिर रेड बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक रेड बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे। इसी तरीके से ये 10 फंदे ही हमें इसमें रिपीट करते जाने हैं। 5-5 फंदों का ही है ये पैटर्न। 5 ये रेड बना लिए, फिर एक स्लिप किया, एक रेड बना लिया, एक स्लिप किया, एक बना लिया, एक स्लिप किया। ये 5 ये हो गए और 5 ये। इन 10 फंदों को ही हमें पूरी रो में रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 फंदे हो गए ये रेड कलर के। फिर ऐसे 5 बनाएंगे, एक स्लिप किया एक बना लेंगे, एक स्लिप किया एक बना लेंगे, एक स्लिप किया। तो इसी तरीके से ये 10 फंदे फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक स्लिप किया एक बना लिया, एक स्लिप किया एक बना लिया, और लास्ट वाला फंदा स्लिप कर लेंगे। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो, ये रोंग साइड। सेकंड रो में जो फंदे हमने राइट साइड से बुने हैं वो ही बनाने हैं, और उनको हम सीधा ही बनाएंगे, और जो स्लिप किए हैं उनको स्लिप करना है। ये येलो वाले फंदे हम स्लिप कर लेंगे क्योंकि हमने ये फर्स्ट रो में स्लिप किए थे, धागा हम पीछे ही करेंगे, और ये रेड वाले फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड कर लेंगे, फिर ये येल्लो वाला स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके रेड वाला फंदा बना लेंगे। इसी तरीके से करेंगे, बस जो फंदे हमने राइट साइड से बुने हैं वही बुनने हैं, और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप करेंगे। अब ये रेड 5 फंदे, इनको भी हम सीधा ही बनाएंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, येलो वाले फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करके रेड वाले सीधे बनाएंगे। इसी तरीके से ये सेकंड रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट होगी। अब थर्ड रो, राइट साइड। थर्ड रो में जो हमारा फर्स्ट कलर है वो लगाएंगे, ये येलो कलर, और ये पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। सभी फंदे इसमें सीधे बना लेंगे। टू रो जो बनाएंगे हम, उसमें हमें पैटर्न बनाना है। फिर हर 2 रो के बाद फिर हमें 2 रो सिंपल बनानी है, जो बेस कलर है उससे, एक सीधी और एक उल्टी, राइट साइड से सीधी और बैक साइड से उल्टी। तो हर 2 रो के बाद ऐसे ही करना है। ये मैं इसी तरीके से पूरी सीधी कंप्लीट कर लूंगी।
ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी। अब फोर्थ रो रोंग साइड, फोर्थ रो भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे, ये इसी कलर से बनाएंगे, येलो कलर से ही। इसमें सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये फोर्थ रो कंप्लीट होगी। अब फिफ्थ रो राइट साइड, जो हमने फोर रो बनाई है, टू रो हमने रेड कलर से बनाई है और टू रो येलो कलर से, वही हमें फोर रो ही तीन बार रिपीट करनी है। इस पैटर्न में तीन बार रिपीट करेंगे तो हम यहाँ तक ही बना लेंगे इसको। जिस तरह ये बनी है सेम ये फोर रो ही हमें बार बार रिपीट करनी है। मैं बनाकर ही दिखाती हूँ आपको। अब फिफ्थ रो है हमारी राइट साइड, इसमें फिर हम कलर चेंज करेंगे, जो सेकंड कलर है वो लगाएंगे। हर टू रो के बाद हमें कलर चेंज करना है। सेम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे, पहले फाइव फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, फिर फाइव हम ऐसे ही करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे। ये टेन फंदे हो गए, इन्हीं को ही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। सेम ऐसे ही बनानी है जैसे फर्स्ट रो बनाई थी, फाइव फंदे रेड बनाने हैं और फाइव फंदे, फिर एक फंदा स्लिप, एक रेड, एक स्लिप, एक रेड और एक स्लिप, इस तरह इसी तरीके से पूरी रो को बना लेंगे। ये फिफ्थ रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड, इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बनाए हैं वही बनाने हैं और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप कर लेंगे, येलो वाले फंदे स्लिप कर लेंगे, रेड वालों को हमें सीधा ही बनाना है, ये सीधे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करके येलो वाला स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके रेड वाला सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करके येलो वाला स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये जो पांच फंदे हमने रेड बनाए हैं इनको भी सीधा ही बुनेंगे। जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी सेम ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए सिक्स्थ रो हमारी कंप्लीट होगी। अब सेवन्थ रो, सेवन्थ रो में फिर हम कलर चेंज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट कलर है वो लगाएंगे। सेवन्थ रो को हम पूरा सीधा बना लेंगे और एट्थ रो को मैं उल्टा बना लेती हूँ, दोनों रो बनाकर दिखाती हूँ। ये हम थर्ड और फोर्थ रो की तरह पूरी सीधी बना लेते हैं, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी। ये देखिए ये सेवन्थ और एट्थ रो मेरी कंप्लीट होगी। अब नाइन्थ रो है राइट साइड, नाइन्थ रो को हम फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई है। ये पहले फाइव फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, फिर फाइव फंदे ऐसे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे। ये देखिए ये टेन फंदे हो गए। सेम ऐसे ही बनानी है जैसे फर्स्ट और सेकंड रो को बनाया है, फिर इसी तरीके से इसको पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये नाइन्थ रो हमारी कंप्लीट होगी। अब टेंथ रो, टेंथ में फिर ऐसे ही करेंगे, जो फंदे हमने राइट साइड से बनाए हैं वही बनाएंगे और जो स्लिप किए हैं उनको स्लिप कर लेंगे, येलो वाले स्लिप कर लेंगे और रेड वाले सीधे बना लेंगे।
धागा अपनी साइड करेंगे, येलो वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर रेड वाले को सीधा बनाएंगे। इसी तरीके से ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 10th रो हमारी कंप्लीट होगी। अब 11th रो राइट साइड या फिर कलर चेंज करेंगे, ये येलो कलर से बनाएंगे। ये पूरी हम सीधी और उल्टी बनाएंगे, 2 रो जो जैसे हर बार बनाते हैं, राइट साइड से सीधी और रोंग साइड से उल्टी। ये 11th और 12th रो हमारी इसी तरीके से बनेगी। ये मैं दोनों बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको बनाकर। ये मैंने 11th और 12th रो बना ली है और ये हमारी 12 रो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। अब फिर हमें दोबारा इस तरीके से बनानी है जैसे मैंने ये चेंज किया है यहाँ पे पैटर्न। तो बनाने का तरीका यही है, बस हमें यहाँ पे पैटर्न चेंज करना है। ये फंदे जो हमने रेड कलर के बनाए हैं 5 फंदे, वो अब इनके जो मल्टी कलर से बने हैं 5 फंदे इनके ऊपर आएंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये अब हमारी है 13 रो राइट साइड, या फिर हम कलर चेंज करेंगे। जो 5 फंदे हमने पहले रेड कलर के बनाए थे वो बनाएंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक रेड बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। अब जो फंदे हमने यहाँ पे मल्टी ये बनाए थे दोनों कलर से, इनको हम रेड ही बनाएंगे 5 फंदों को। बस ये पहले हमें मल्टी वाले बनाने हैं और बाद में रेड वाले। पहले हमने जो बनाए थे यहाँ पे, पहले रेड वाले 5 फंदे बनाए थे, फिर मल्टी वाले। अब यहाँ पे पहले मल्टी वाले फंदे बनाने हैं और यहाँ बाद में रेड वाले। इस तरीके से ये 10 ही फंदे हमें इस तरीके से बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा स्लिप, एक रेड, एक स्लिप, एक रेड और एक स्लिप, फिर 5 फंदे रेड। बस ये हमारे फंदे आगे से पीछे चले जाएंगे रेड वाले इस तरीके से। फिर 5 फंदे ऐसे ही बनाएंगे, एक स्लिप, एक रेड, एक स्लिप, एक रेड, एक स्लिप, फिर लास्ट के 5 फंदे हमारे रेड ही बनेंगे। ये हमारा यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया, तो इसी तरीके से बना लेंगे। अब 14 रो है ये रोंग साइड, 14 रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। जो फंदे फर्स्ट जो फंदे राइट साइड से बुने हैं वही बुनने हैं, और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप करने हैं। रेड वाले फंदों को हम सीधा बुनेंगे पीछे की साइड से ही, और जो ये येलो वाले फंदे इनको स्लिप करेंगे, धागा अपनी साइड करके स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके रेड वाले फंदे बना लेंगे, धागा अपनी साइड करके येलो वाला स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे करके रेड वाला बना लेंगे, धागा अपनी साइड करके येलो वाला स्लिप कर लेंगे। इसी तरीके से बनाते जाएंगे, रेड वाले फंदे सीधे बुन लेंगे और येलो वालों को स्लिप कर लेंगे। ये 14 रो हमारी कंप्लीट होगी। अब 15 रो राइट साइड, अब फिर हम कलर चेंज करेंगे। अब 2 रो फिर हम येलो कलर से ही बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। ये मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये पूरी रो हमारी येलो कलर से ही बनेगी। ये मैंने 15 और 16 रो कंप्लीट कर लिया है बनाकर येलो कलर से ही, पूरी सीधी और उल्टी। अब है 17 रो राइट साइड, यहाँ फिर कलर चेंज करेंगे, ये रेड कलर से बनाएंगे। ये सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने 13 और 14 रो बनाई है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा
रेड बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक रेड बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे, फिर फाइव फंदे हम रेड बनाएंगे। ये 10 फंदे ही हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं। ये 17 रो हमारी कंप्लीट होगी। अब 18 रो रोंग साइड, इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बुने हैं वही बुनेंगे सीधे, और जो स्लिप किए हैं उनको स्लिप कर लेंगे। ये 18 रो कंप्लीट होगी। अब 19 और 20 रो को हम येलो कलर से बनाएंगे सीधी और उल्टी। ये बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको बनाकर। ये 20 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है 21 रो नंबर 21, ये फिर कलर चेंज करेंगे या फिर से ऐसे बनाएंगे जैसे 13 और 14 रो बनाई थी। सॉरी, फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर एक स्लिप, एक रेड और एक स्लिप, फिर पांच फंदे रेड। इसी तरीके से ये 10 फंदे हो गए हमारे। इन 10 फंदों को ही हम बार बार रिपीट करेंगे पूरी रो में। ये रो नंबर 21 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है 22, ये रोंग साइड है। इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बुने हैं वही बुनने हैं, और जो स्लिप किए हैं वो स्लिप कर लेंगे। ये रो नंबर 22 कंप्लीट हो चुके हैं। अब है 23, रो नंबर 23, ये पूरी हम सीधी बनाएंगे येलो कलर से, जो हमारा बेस कलर है उससे, और 24 भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये टू रो हम हर टू रो के बाद सीधी और उल्टी बनाते हैं, तो इसको भी हम इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो नंबर 23 कंप्लीट हो चुकी है। अब रो नंबर 24, ये लास्ट रो है इस पैटर्न की, इसको हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा पैटर्न बन के आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, आप इसको जब भी किसी प्रोजेक्ट पर बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा है, बट ये
बनता बहुत जल्दी है। और इसमें देखिए मैंने ये 2 बार ही रिपीट करा है पूरा पैटर्न, और ये देखिए कितना बड़ा हमारा बन चुका है। तो दोस्तों आप भी इस पैटर्न को एक बार जरूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और ये अपने बच्चों की ड्रेस में जरूर बनाकर देखें। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक व कमेंट करें, और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।